हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि टर्म टू में मैथ्स में डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्या करना है, वो हम सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। और आई होप आज आपका लास्ट पेपर था, आज का पेपर आपका अच्छा हुआ हो, ठीक है, और सबको सही रहा हो, ठीक है। तो यही मैं विश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं टर्म टू की। तो टर्म टू में हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अगर नाम बताऊँ मैं आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो यानी टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हैं जो कि टर्म टू में। अब हम इनमें बात ये करेंगे कि इनमें क्या क्या हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस में है और क्या क्या नहीं है, ये सारी बातें करनी है। तो यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स, और बाद में लिखा है सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखा है प्रॉब्लम ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। करते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब आप देखोगे तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, nth टर्म पे क्वेश्चन बनता है और सम ऑफ n टर्म पे बनता है कुछ। तो अब लिखा क्या क्या है, मोटिवेशन ऑफ स्टडीइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, देयर एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ, और लास्ट में लिखा है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स आर एक्सक्लूडेड। यानी कि कहने का मतलब इनका ये हुआ कि जो एप्लीकेशन है सम ऑफ n टर्म्स पे, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें रिड्यूस किया जाता है और फिर उसमें फॉर्मूला लगाना होता है, वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने। तो यानी अगर हम इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें 4.1 एक्सरसाइज की, तो सीधी सी बात है पूरे कोर्स में है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं है। 4.1 एक्सरसाइज जल्दी से देख लेते हैं, 4.1, ठीक है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, पूरी कोर्स में, यानी इसमें वर्ड प्रॉब्लम है जरूर है, लेकिन ये कोर्स में क्योंकि ये बेस्ड है nth टर्म पे और या फिर एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो ये सब कुछ कोर्स में, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज कोर्स में सब कुछ टिक कर लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कोर्स में। फिर आता है nth टर्म ऑफ एपी, तो एपी के जो nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके वर्ड प्रॉब्लम भी कोर्स में है, यानी सेकंड एक्सरसाइज पूरी कोर्स में, यानी सेकंड एक्सरसाइज पूरी कोर्स में पूरा टिक कर लीजिए, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज टिक कर लो सबसे ऊपर कि भैया फुल कोर्स, जैसे ये सेकंड एक्सरसाइज है ना, सब कुछ कोर्स में, मतलब फर्स्ट भी क्वेश्चन सब कुछ कोर्स में, चाहे फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम आए चाहे जो आए, ठीक है, सब कुछ कोर्स में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यहाँ की जो वर्ड प्रॉब्लम भी है वो भी कोर्स में ही है, कोई टेंशन नहीं है। सारे क्वेश्चन पे आप टिक कर लीजिए, मैं भी टिक कर देता हूँ फटाफट, सब लोग आप लोग टिक कर लें, सब क्वेश्चन कोर्स में। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चन है 7, 8, 19, 20 सब। अब आता है जो सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स वाले पार्ट में, इसमें जो आपके पास एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें नहीं करने, वो कौन से नहीं करने मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारी सम वाली एक्सरसाइज है, तो शुरुआत के जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, 5.3 एक्सरसाइज, ये सब कुछ कोर्स में, थर्ड क्वेश्चन भी कोर्स में है, ठीक है, शुरुआत के कोर्स में है। अच्छा, इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू सम, इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कोर्स में है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझो इस बात को। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम इस पे आपको सिलेबस पे ले जाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है डे टू लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनको में वर्ड प्रॉब्लम हो और उसको रिड्यूस करके हमें एपी यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो कई बार बच्चों को लगता है सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम है तो ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में, इसमें कहीं डे टू डे लाइफ का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक सिंपल डेटा दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड है। तो फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स करना है, सेवन करना है, एट करना है, नाइन करना है, टेन करना है, ठीक है, और इलेवन करना है आपको, ट्वेल्व करना है, थर्टीन करना है, फोर्टीन करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो डे टू डे लाइफ में यूज है, जैसे बोला एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन जॉब, स्पेसिफाई पेनल्टी, ये हमारे डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, 15 नहीं करना है, 16 नहीं करना है, 17 नहीं करना है, 18 नहीं करना है, समझ, ये हमारे क्वेश्चंस कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करना है, ठीक है। और इसमें आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी है,
तो उसमें भी मैं बता देता हूँ कौन सा नहीं करना है। फर्स्ट कर लेना, सेकंड कर लेना, ठीक है, थर्ड कर लेना, हालांकि ये डे टू डे लाइफ में आ जाएगा, लेकिन इसको कर लेना, ठीक है, और फोर्थ नहीं करना है, सिमिलर फिफ्थ नहीं करना है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में है, ठीक है, एपी में, तो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी। चलिए इस चैप्टर को आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सर्कल्स। तो सर्कल्स में देखो दो एक्सरसाइज है और दोनों ही फर्स्ट एक्सरसाइज में टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, सेकंड में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। तो यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं है, तो सर्कल वाले पार्ट को, ये सर्कल का पीडीएफ है, तो सर्कल में ऐसा कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आपको सब कुछ करना है सिंपल। तो इसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो जितना भी ये सर्कल में सब कुछ करना है, तो क्या दिखाना है जब सब कुछ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जरूर आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। कंस्ट्रक्शन में लिखा है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट का डिवीजन करना है और टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन की, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन का डिवीजन वाला क्वेश्चन करना है, ट्राइंगल का डिवीजन वाला नहीं करना है। तो कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो 11.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें लाइन को रेशियो में डिवाइड करना है, तो वो हमारे कोर्स में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद जितने भी ये क्वेश्चन है ट्राइंगल बेस्ड है, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये एक भी नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो आपके कोर्स में है, तो यहाँ पे सारी क्वेश्चन आपको करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में सिक्स, सेवन भी है, तो वो भी करना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का हो गया हमारा, तो हमारे चार चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है। अगर मैं आपको दिखा दूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, तो अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे अपनी बुक को देखोगे, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसमें सारे क्वेश्चन कोर्स में, ठीक है, तो आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और यहाँ पे लिखा है सरफेस एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर स्लैश कोन्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, फिर लिखा है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन मेटेलिक सॉलिड टू अनदर मेटेलिक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड, ठीक है, दो से ज्यादा हमें नहीं लेना है। और वैसे भी अगर एनसीईआरटी की बात करें, तो दो से ज्यादा सॉलिड को कंबाइंड नहीं किया गया, ज्यादातर क्वेश्चन में दो सॉलिड का ही यूज किया गया है। तो बेसिकली इसमें जो कोर्स में नहीं है वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम एक एक्सरसाइज है आपकी पर्टिकुलर, वो कोर्स में नहीं है, बाकी सब कुछ कोर्स में। यानी कि अगर हम बात करें 13.1, वो एक्सरसाइज पूरी कोर्स में, तो मैं सीधा उस पे ले चलता हूँ जो कोर्स में नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे सभी में दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, यही सब यूज हो रहा है। तो जो कोर्स में नहीं है मैं सीधा ले चलता हूँ आपको फ्रस्टम पे, उसको क्रॉस कर लीजिए। ये फ्रस्टम ऑफ द कोन पेज नंबर 252, ठीक है, बाकी सब आपको करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप क्रॉस कर लो, बाकी सारे पे टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं सब पे टिक करवाने, कोई टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सीधा याद रखो सब कुछ करना है, इसकी जो फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी, यानी कि 13.4 आपको नहीं करनी है, पूरी तरह से क्रॉस कर लीजिए 13.4, ठीक है। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज बोले इसको, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, इसकी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं आती है इन जनरल। तो अब ये तो हो गया सरफेस एंड वॉल्यूम का। लास्ट चैप्टर हमारे स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें अगर हम बात करें आपसे, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखा है, स्टैट्स में लिखा है मीन है, मीडियन है, मोड है, इन तीन चीजें पढ़नी है। और बोल दिया मीन जो है वो डायरेक्ट मेथड से करना है, अज्यूमिंग मेथड से करना है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप पता चलेगा कि मीन को तीन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्रॉस हो गया है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें लिख के तो कई बार नहीं आता है किस मेथड से करना है, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो जहां पे भी अगर स्टेप डेविएशन मेंशन है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो आपको कर लेना है किसी भी मेथड से, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसमें कुछ डिलीट हुआ है पर्टिकुलर, एक मेथड डिलीट हुआ है बस, ठीक है, एक मेथड जो है वो डिलीट हुआ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो करना है भाई मीन निकालना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है, बोला यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट में अज्यूमिंग मेथड यूज कर सकते हो आप, ठीक है।
मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी करना है भाई थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सूटेबल मेथड, तो सूटेबल मेथड हम एज्यूमिन यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर आपको जिसमें अगर स्टेप डेविएशन लिखा है बोला सूटेबल मेथड, तो सूटेबल मेथड ही लिख देते हैं। सेवन क्वेश्चन भी करना ही है, तो बस ये एक्सरसाइज तुम्हारी इसी तरीके से किसी में भी लिखा ही नहीं है कि आपको उस मेथड से करना है स्टेप डेविएशन, खत्म हो गया। पेपर में तो लिख के आ गया एज्यूमिन मेथड, तो उससे कर लेना। डायरेक्ट मेथड आ जाए उससे स्टेप डेविएशन लिख के नहीं आएगा, सिंपल है। तो सारी क्वेश्चन कर लेना इसके। मॉड में भी सब कुछ करना है। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी है, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। इसका मतलब ये, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दो मॉड आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ध्यान रखो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं, दो मॉड वाला, ठीक है, कि दो मॉड आ जाएं, ठीक है। तो है भी नहीं, वो कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो लिखा हुआ है तो ये एनसीईआरटी में कहाँ है, तो एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉड वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, रिड्यूस है, सब कुछ करना है। 14.2 पूरी करनी है, चेक कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड, सब कुछ करना है। आगे बढ़े फोर्थ, और आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ सिक्स, ठीक है, बस ये हो गया। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है मीडियन की, तो मीडियन भी पूरी कोर्स में है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कोई मेथड रिड्यूस है कुछ है। तो 14.3 एक्सरसाइज भी हमें कंप्लीट करनी है, जिसमें मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 14.3 जो है एक्सरसाइज हमारी मीडियन पे बेस्ड है, तो उसको हमें पूरा करना है। तो जल्दी से आ जाए हमारी ये एक्सरसाइज 14.3 है, तो मीडियन वाली एक्सरसाइज मैं टिक ही कर देता हूँ, आप लोग भी सारे क्वेश्चन पे टिक कर लो, सब कुछ करना है, ठीक है 14.3 में। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.4, वो हमारे कोर्स में नहीं है। उसमें ग्राफ बनाना होता था जिसको हम ओजेप बोलते थे, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, उसको आप रिड्यूस कर लीजिए, उसको हमें नहीं करना है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज वाली 14.4 को आप पूरी तरह से क्रॉस कर दीजिए, ये आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चन आप हटा सकते हो, सब हटा दीजिए। तो ये थी एक एनालिसिस, आई होप आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छी लगी हो और आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। टिक कर लो अपनी एनसीईआरटी में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और फ्रेंड्स में शेयर करके इस वीडियो का मनोबल बढ़ाएं, ठीक है, मेरा मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि अब क्या रिक्वायरमेंट है, और कल संडे को शाम को 6 बजे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं कंप्लीट वन शॉट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।